नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके सपने YouTube चैनल रेल है तो देश है की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में एक और नई अपडेट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं अंकाई औरंगाबाद परभणी विद्युतीकरण के बारे में। जी हां दोस्तों, यानी कि अंकाई औरंगाबाद और सीधा जा करके परभणी तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है उसकी क्या संपूर्ण जानकारी है, क्या अभी वर्क स्टेटस है मार्च 2022 के हिसाब से, इसके हिसाब से जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके समक्ष हम लोग रखने वाले हैं। तो ये पूरी जो जानकारी है वो हमको शुभम सोलंके जी द्वारा प्राप्त हुई है, जो कि हमारे मित्र हैं महाराष्ट्र के ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अंकाई औरंगाबाद परभणी विद्युतीकरण, ये मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण रेल लाइन परियोजना है। मराठवाड़ा से विद्युतीकरण के लिए बहुत संघर्ष हुआ, बहुत बार आंदोलन भी किए गए, पर जब से जालना के सांसद राव साहेब दालवे भारत के रेल राज्य मंत्री बन चुके हैं तब से यहाँ का विद्युतीकरण का काम सही मायने से शुरू हो चुका है। और अंकाई से परभणी की कुल लंबाई 276 किलोमीटर की है। इस विद्युतीकरण का काम तीन चरणों में होने वाला है। पहला चरण अंकाई से औरंगाबाद का, जिसकी कुल लंबाई 98 यानी कि 98 किलोमीटर की है। दूसरा चरण होगा औरंगाबाद से जालना, जिसकी कुल लंबाई 63 यानी कि 63 किलोमीटर की है। और तीसरा चरण जालना से औरंगाबाद, जिसकी कुल लंबाई 115 किलोमीटर की है। और अब हम पहले चरण से शुरू करते हैं। तो पहले चरण में अंकाई से परसोड़ा, जिसकी लंबाई 64 किलोमीटर की है, उसका काम 100% पूरा हो चुका है। अब बस केवल CRS निरीक्षण का ही इंतजार इस रेल लाइन पर अभी बचा हुआ है। और परसोड़ा के आगे यहाँ पर करंजगांव, और जो करंजगांव तक इसका जो इलेक्ट्रिक पोल लगाने का काम है वो 100% पूरा हो चुका है और वायरिंग अपने अंतिम चरण में है। और करंजगांव के आगे औरंगाबाद तक बेसिक फाउंडेशन का काम 100% पूरा हो चुका है और करंजगांव की तरफ से पोल लगाने का काम अभी जारी है। जल्द ही औरंगाबाद स्टेशन पर इलेक्ट्रिक पोल लगाने का काम पूरा हो जाएगा। अब हम दूसरे चरण की बात करते हैं। तो इस सेक्शन में दूसरा चरण 63 यानी कि 63 किलोमीटर का है, वो है औरंगाबाद जालना सेक्शन। इस चरण में बेसिक फाउंडेशन का काम चल रहा है और महत्वपूर्ण बात यह है कि औरंगाबाद करमाड़, जो कि 24 किलोमीटर का है, सेक्शन में बेसिक फाउंडेशन का काम 100% पूरा भी हो चुका है। अभी करमाड़ से जालना के बीच में फाउंडेशन का काम अभी अंतिम चरण में बताया। और अपने अंतिम तीसरे चरण से, जो कि जालना से परभणी सेक्शन में है, वहाँ पर काम अभी ना के बराबर हुआ है और जालना की ओर से बेसिक फाउंडेशन का काम चल रहा है और सारवाणी और कोड़ी रेलवे स्टेशन पर फाउंडेशन के लिए गड्ढे खोदने का काम भी शुरू हो गया है। हम अगर पूरे काम का जायजा लें तो पहले सेक्शन का काम लगभग 50% पूरा हो चुका है और रेलवे परसोड़ा और औरंगाबाद के बीच में जब काम पूरा होगा तभी इस 98 किलोमीटर का सेक्शन का CRS करने वाला है। और अभी इस निरीक्षण के लिए 1-1.5 महीने का समय और लगने वाला है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रोटेगांव के पास में इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बनकर भी तैयार हो गया है और वहां से ही इस लाइन में विद्युतीकरण करंट को छोड़ा जाएगा। और रेलवे का कहना है कि 2023 के बीच में अंकाई परभणी सेक्शन का काम पूरा होगा, पर काम की गति देखकर दिसंबर 2023 में पूरा होगा ऐसा लगता है। और इस रेलवे बजट में इस विद्युतीकरण के काम को अच्छा खासा बजट भी प्राप्त हो चुका है। अब बस केवल रेलवे के हिसाब से यहाँ पर इस साल के अंत तक जालना तक इलेक्ट्रिक लोको आ सकता है। आखिर सब ठीक रहा तो काम अपने मौजूदा स्थिति के अनुसार ही चलता रहेगा। दोस्तों ये थी पूरी अपडेट यहाँ पर, और काम है वो काफ़ी स्लो चल रहा है लेकिन अभी वर्किंग स्टेटस में। आगे जो भी नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर से बताते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।